हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा वाला मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10 के सरफेस एरिया वॉल्यूम के गुलाब जामुन वाले सम्स, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये वाला सम्स का एक बार एक वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक गुलाब जामुन, देन ऑल्सो विल सॉल्व दिस सम्स, ओके, बिकॉज ये तुम लोगों को दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम करने के पहले एक चीज़ याद रखना हमेशा, कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का जितना भी सम्स है उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि तुम पाई को जितना इग्नोर कर पाए, ये दुश्मन है तुम्हारा पाई सरफेस एरिया वॉल्यूम में। ठीक है, दिस इज द कल्प्रिट जो पूरा कैलकुलेशन को बिगाड़ता है। तो इससे तुम लोग जितना दूर रह पाए उतना ये डेंजर है। ठीक है, मतलब ठीक रहेगा तुम लोग, ये दिस इज ए डेंजर साइन। तो यू इग्नोर पाई एज मच एज पॉसिबल, दिस इज माई एडवाइस। तो आई सॉल्व एंड शो यू हाउ आई हैव इग्नोर द पाई एंड मेड द कैलकुलेशन ईजी, ओके। इसमें मैंने तुम्हें समझाने के लिए कैलकुलेशन कुछ लंबा किया है, उसमें तुम शॉर्ट से खुद कर समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, आई विल रीड द क्वेश्चन आउट हियर। इज दैट गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सिमेट हाउ मच सिरप 45 गुलाब जामुन कंटेन एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द देयर इज गुलाब जामुन गिवन। इट्स ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर एंड वो आई विल ऑलरेडी ड्रॉन हियर। जैसे दिस इज ए सिलेंडर आउट हियर इन द मिडिल एंड टू हेमिस्फीयर एंड इन द टू एंड्स, ओके। व्हाट इज गिवन मोर दैट जैसे 45 गुलाब जामुन है, तो मैं एक का निकालूंगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कैसे निकालता हूँ मैं, पहले पहले मुझे चाहिए क्या, मैं रफली लिख लूँगा गुलाब जामुन, क्योंकि ये शेप का है, ये दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो इसका एक का अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यस प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो मुझे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या चाहिए वो मैं देखता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए मुझे चाहिए, तो मैं रफली तुम लोग हमेशा कर लेना, हर सरफेस से बोलोगे, हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि सिलेंडर का मुझे रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, देखो इसका डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 2.8, तो इसका रेडियस क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है डायमीटर को 2.8, तो रेडियस क्या होगा 2.8 बाई 2, इट इज़ 1.4। तो इसका रेडियस हो गया 1.4, तो ये 1.4, ये भी 1.4। डेट इज सेकंडली आई रिक्वायर द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सो दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर बिकॉज दिस इज द सिलेंडरिकल पार्ट। तो इसका लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ भी देखो, टोटल लेंथ दिया हुआ 5, तो मैं क्या करूँगा 5 से अगर मैं 1.5 इस साइड से और 1.5 इधर से माइनस कर दूँ, तो इसका हाइट मुझे आ जाएगा जिसको मैंने दिखाया है यहाँ पे, यू कैन सी आउट हियर। तो मैंने यहाँ पे तुमको दिखा दूँ, तो ये यू कैन सी आउट हियर, टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2.8, रेडियस इज 2.8 बाई 2, इट इज 1.4। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.5, बोथ साइड, दोनों साइड से माइनस कर दो तो ये पार्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 5 माइनस 2.8, डेट इज 2.2 आ गया। फिर मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है सिर्फ रेडियस का, जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, ये 2.1.4। याद रखना रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम होंगे। ठीक है, सो आई राइट द फॉर्मूला आउट हियर, आई नो द फॉर्मूला इज, यू कैन सी हियर आउट हियर, आई विल राइट नाउ। टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आई कैन जूम आउट एंड शो यू, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 इंटू, डेट इज द 2, बिकॉज दो हेमिस्फीयर एंड है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे तुम पाई को इग्नोर करो, देखो पाई का वैल्यू अगर तुम यहाँ पे इंसर्ट कर दो तो ये बहुत ही लंबा कैलकुलेशन और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 और इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। फिर देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो अगर तुम अच्छा से देखो तो, क्योंकि आर आर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, पाई आर स्क्वायर जैसे तुम कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एच, तो यहाँ पे एच बच गया, और इसमें क्या बचेगा 4/3 आर। ठीक है, 4/3 आर बच गया। अब तुम लोग पाई को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू इंसर्ट करो, और यहाँ पे पाई को छोड़कर मैं बाकी सारा वैल्यू इंसर्ट करूँ तो क्या आएगा, देखो पाई रेडियस 1.4 था, तो 1.4 होल स्क्वायर, एच था 2.2, यहाँ पे डाल दिया मैंने 4/3 इंटू 1.4। ठीक है, फिर ये 1.4 स्क्वायर क्या होगा, 1.96, और ये 2.2 इंटू 4/3 इंटू 1.4। ठीक है, फिर अगर तुम ये वाला टू, ये ऐसे है, ठीक है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ओके, देन यू मल्टीप्लाई 1.4 टू 4, दैट विल गेट 5.6/3, ओके। नाउ यू टेक एलसीएम, टेक एलसीएम आउट हियर, ओके, आई विल शो यू इट। इफ यू टेक एलसीएम हियर, राइट हियर, तो एलसीएम क्या होगा, 3 का एलसीएम होगा। ये पूरा का पूरा मैंने ये वाला कैलकुलेशन के बाद ये नीचे ऐसे होगा, ठीक है, मैंने टाइप नहीं हो रहा था इसलिए ये होगा तुम्हारा ऐसे। आई विल शो यू वंस मोर, जस्ट सी, ये ऐसे होगा 3 एलसीएम, और 3 से अगर 2.2 मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन टोटल में 3 है। ठीक है, फिर अगर तुम ये
प्लस कर दो 6.6 × 5.6 तो मुझे मिलेगा 12.2/3। ठीक है, ये वाला मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, वेट जस्ट से सेकेंड। अगर तुम देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों प्लस कर दो ये ऐसा है। ठीक है, 6.6 + 5.6/3, ये दोनों को प्लस करोगे तो 12.2/3, ये 12.2/3 है इंटू 1.96। अगर 1.96 फिर 12.2 × करोगे तो तुमको मिलेगा 23.912/3, डेट इज़ 3, ये 3 इधर होगा। ठीक है, तो ये गुलाब वन गुलाब जामुन का आ गया, मैंने पाई का वैल्यू अभी इंसर्ट नहीं किया, याद रखना देखो कितना ईजी होगा कैलकुलेशन। एक गुलाब जामुन का आ गया, तुम्हें कितना गुलाब जामुन का चाहिए, 45। ठीक है, तो 45 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इंटू 45, 3 को भी रहा है तो 3 और ये 45 कट जाएगा 15, दैट इज 2π × 23.912 × 15, दैट इज 358.68π आ गया। अभी भी पाई का वैल्यू इंसर्ट मत करो, अब तुम्हें पता है कि एक गुलाब जामुन में 30% वॉल्यूम उसका सिरप है, तो इसका 30% निकाल दो तुम 45 गुलाब जामुन, तो 30% क्या होगा, 30% ऑफ टोटल, तो 30/100 × 358.68, तो अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो विल गेट समथिंग लाइक दिस, 30/100 × 358.68 × अभी पाई का वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दिया 22/7। सो व्हाट विल गेट आउट हियर, जस्ट सी, जब जैसे ही मैंने 7 को इंसर्ट किया 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कौन सा कैंसिल होगा मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड, अगर तुम देखो तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = और ये 751.24। ठीक है, तो 51.24 को तुम इंटू कर दो 30 से, अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हो ये वाला, देन यू विल गेट, सॉरी 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 से मल्टीप्लाई, देन यू गेट 1127.28। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, अगर तुम फिर 30 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 338.18/100। सो देखो डिवीजन का काम कम है, बट पाई का वैल्यू मैंने एकदम लास्ट में डाला था, यू डिवाइड इट विल गेट 338.18, दैट इज द अप्रॉक्स वॉल्यूम। ओके, सो जस्ट ट्राई आउट ऑफ दिस एंड इन एनी सम्स ऑफ सर्फेस एरिया वॉल्यूम, जस्ट ट्राई टू इग्नोर पाई एज मच एज पॉसिबल, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज। ओके, फॉर नाउ थैंक यू।